आदर्श व्यापारी संघ ने जवाहर चौक पर विशाल प्रदर्शन किया। राकेश गुप्ता ने बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। जवाहर चौक व्यापारियों की विविध समस्या के निराकरण किए जाए। जवाहर चौक व्यापारियों की निम्न समस्या है। मॉडल स्कूल की पक्की दुकानें मेट्रो या स्मार्ट सिटी की प्लानिंग में यदि आ रही है तो इसके स्थायी निराकरण के लिए व्यापारियों को भरोसे में लेकर उचित प्लानिंग की जाए। दुकानों के नामांतरण के संबंध में पूर्व में नोटिस वितरित किए गए थे, जिसके लिए व्यापारियों ने अधिकारियों से संपर्क किया तो अधिकारी नामांतरण राशि के अलावा अतिरिक्त राशि की मांग करते हैं। व्यापारियों द्वारा अतिरिक्त राशि न देने पर उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है। जो व्यापारी अतिरिक्त राशि देते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता। धरना दिया जा रहा है, क्या क्या मेन मुद्दे हैं जो आप लोगों को परेशानी का सामना? 4 साल पहले हमारी दुकानों को हटा दिया, हम बर्बाद हो चुके हैं। आज हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। स्मार्ट सिटी हमको सिर्फ झूठे वादे ही करते आ रही है 4 साल से। हमने उनको बताया, साहब अब तो हमारी दुकान बना के दे दो, जबकि प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद ने भी आपको बोर्ड में प्रस्ताव पास हो चुका है, पूर्व कलेक्टर अविनाश लवानिया जी ने भी बोर्ड में पास कर दिया है। अब दुकानें बन गई, उसकी क्या दिक्कत क्या है? हाट बाजार हमारा नहीं है, हाट बाजार टोटल सेल मार्केट है। जो अवैध दुकानें हैं शहर की, उनके लिए हाट बाजार है। हम लोग नगर निगम के आवंटी है। नहीं कोई वहाँ कोई व्यापारी, 5x5 की दुकानें हैं वहाँ, काय का धंधा चलेगा भाई साहब? आपने हाउसिंग बोर्ड ने एक सेंटर पॉइंट बनाया थाने के पास, 20 साल से बंद पड़ा हुआ है वो मार्केट। इस मार्केट में कौन जाएगा? क्या चाहते हैं आप शासन? हमारा जो प्रस्ताव है प्लाट नंबर 47-49 पर, आप उस पर दुकान बनाकर हमें दे दें। आपने हमसे पैसे भी ले लिए हैं 8x8 के, जो ऑर्डर है जो बोर्ड की मीटिंग में पास है 8x8 की, हम हमको दिए दुकान। हम कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार पेमेंट भी देने को एग्री है, और हमारी हनुमान मंदिर की दुकान है, रंगमेल की दुकान है, मॉडल की दुकान है, सबको एक व्यवस्थित जरा मार्केट बना के दीजिए आप हमें। मनोज कुमार द्विवेदी, जवाहर चौक मॉडल स्कूल पक्की दुकान व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। ये मीडिया के चैनल के माध्यम से हम स्मार्ट सिटी के CEO, कलेक्टर, नगर नियम कमिश्नर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे 4 साल पहले जो स्मार्ट सिटी की दुकानें हटाई गई थी 136 दुकानें, उन्हें 4 साल हो गए, आज तक स्थापित कहीं नहीं किया। केवल ये लोग रेवड़ी देते रहे, आश्वासन देते रहे। 4 साल हो गए, हमारे 4 व्यापारी लोग शहीद हुए हैं, खत्म नहीं हुए, शहीद हुए हैं। हार्ट अटैक आया, टेंशन बुरी चीज होती है, उसके कारण शहीद हुए। अब ये क्या है कि मुर्गे वाली दुकानें, दशहरे में दम वाली दुकानें, हमारे पीछे पक्की दुकानें हैं। पक्की दुकानें अगर मेट्रो में स्मार्ट सिटी में है तो उनकी आप लोग बैठ के व्यापारियों को भरोसे में लेके प्लानिंग करो, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, कहाँ विस्थापित करेंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे, कहाँ दुकानें बनाएंगे। इनकी कोई प्लानिंग नहीं इनकी, ये केवल रेवड़ी देते हैं और केवल ये व्यापारियों को परेशान करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि व्यापारियों की परिभाषा शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कि जब व्यापारी लेने देने पे आता है तो राजा हरिश्चंद्र के समान सरल सुधान दे देता है, और जब लेने पे आता है तो भीम के समान सीना फाड़कर खून पी लेता है। लाला राजपत राय ने बोला था कि अंग्रेजों से कि हमारी छाती पे पड़ा एक एक डंडा तुम्हारे ताबूत में कील का काम करेगी। तो हम स्मार्ट सिटी से कहना चाहते हैं तो तुम व्यापारियों के साथ अत्याचार बंद करो, नहीं तो जो भी अत्याचार कर रहे हो तुम्हारे ताबूत में वो कील का काम करेगी। और व्यापारियों के धैर्य का आप परिचय मत लो। व्यापारी अभी शांत है, उन्हें उग्र ना होने दिया जाए। अगर व्यापारी उग्र हो गए तो एक डाकू डकैती जो मलखान सिंह बना था, फुलन देवी बनी थी, इसके साथ अन्याय हुआ तो जब बनी थी। हमारे अगर 400-500 हजार व्यापारी हैं बेरोजगार हो जाएंगे तो ये मजबूर होंगे। कोई आतंकी बनेगा, कोई डकैत बनेगा, कोई चोर चमार बनेगा, हमारे पुलिस वाले भी यहाँ। अगर हम कहीं जेब काटेंगे, हमारे बच्चे बोलेंगे दूध लाना, दूध के पैसे नहीं है, तो हम कहाँ से दूध लेके जाएंगे? हम कहीं ना कहीं गलत लाइन पे जाएंगे। उसके लिए पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन, नेता मंत्री जो भी है स्मार्ट सिटी, वो जिम्मेदार है। व्यापारियों की इसमें कोई गलती नहीं है, और मैं निवेदन नहीं अब चेतावनी दे रहा हूँ स्मार्ट सिटी और नगर नियम प्रशासन को और नगर नियम कमिश्नर को कि अन्याय बंद करो। हमारे व्यापारी दुकान नामांतरण कराने के लिए जाते हैं, 1 लाख रुपए उसकी फीस है, 2.5 लाख रुपए डिमांड करते हैं। आपके पास ये पेपर नहीं, वो पेपर नहीं। न्यू मार्केट की 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ की दुकानें
केवल दान पत्र पे कैसे नामांतरण हो जाती है, क्योंकि इनसे 2 लाख रुपए ऊपर लिए जाते हैं। हमारा कहना है कि जो भी हमारे व्यापारी दुकान नामांतरण कराना चाहते हैं, उनसे जो वहाँ की रसीद कटती है, हम सरकार के जनहित में पैसा दे रहे हैं, वो रसीद काटने के बाद जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डॉक्यूमेंट लेके हमारे व्यापारियों की दुकानें ट्रांसफर की जाए। नहीं तो आज कल परसों हम यहाँ धरना देंगे, उसके बाद स्मार्ट सिटी में हम जाके तालाबंदी करेंगे। बल्लभ भवन किसी का नहीं, बल्लभ भवन व्यापारियों का है, मार्केट के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी का है। अभी हम प्रेम से बोल रहे हैं, नहीं तो फिर अभी हमारा निवेदन समझे, इसके बाद ये मेरी चेतावनी है, उसके बाद निवेदन नहीं, मैं चेतावनी दूंगा। तो मैं व्यापारी हूँ यहाँ का और इन सब भाइयों के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा कहना बस यही है कि उसूलों पे आज आ जाए तो लड़ना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।